कि जो आरएन प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में, वो बगैर परमिशन के निकाला गया, परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस, कि कैसे आपने निकाल दिया बगैर परमिशन के आपके, और उसमें हथियार की क्या जरूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते हो उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया? बल्कि आपने वहां पर उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के दो प्रोसेशन चले गए थे, ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी जहां पर लॉ एंड ऑर्डर एमएचए के तहत आता है। 4 वॉयलेंस हो चुके हैं बड़े, एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वॉयलेंस हुआ, और चौथा ये जो पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2500-3000 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ईआरपी है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे हैं आप? और दूसरी बात यह है कि जब आपने वहां पर बगैर परमिशन के इजाजत दे दी, पुलिस ने इजाजत दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें से कई जुवेनाइल हैं, क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया, और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है, क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नक्यूज बनाए, वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको मेनोक्यूज बनाते। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि वॉयलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वॉयलेंस, जब सरकार चाहती है, जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वॉयलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वॉयलेंस हो, आपने वॉयलेंस होने दिया, आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया, दो प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया, अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के, मुसलमानों ने पत्थर फेंके। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह दोहरा चेहरा कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में एक नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा।